हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। आफ्टर लॉन्ग डेज मैं एक ब्लॉग चढ़ रही हूँ। लॉन्ग डेज मतलब 2-3 दिन का गैप हुआ है, क्योंकि मम्मी पापा आए हुए हैं और मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, क्योंकि केक के ऑर्डर्स लगातार आ रहे थे। तो केक बनाओ और केक एक बनाने के बाद ही दूसरा एक केक बनाओ, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, इसलिए ये ब्लॉग जो है ये थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये हम लोग गए थे एक सत्संग में। हमारे यहाँ पे ना हमारे जो भगवान हैं उनका सत्संग होता है एक अंकल के घर में, साल में एक बार होता है ये मई महीने में। तो उनके घर हर साल हम इनवाइटेड रहते हैं, तो इस साल भी थे। तो इस साल जो है ना हम लोग सुबह ही चले गए थे, मतलब मैं और जोजो, मेरे हस्बैंड बाद में आए थे दोपहर को। तो हम लोग आए थे यहाँ पे, थोड़ा टाइम स्पेंड किए यहाँ पे, भजन कीर्तन हुआ वहाँ पे बैठे। तो ये सारे जो बजाने की चीज़ें देख रहे हो और ये सब लोग आए हैं, कुछ बजाने के लिए है ये बजाने की चीज़ें और कुछ गाने के लिए भी है। तो ये जो अंकल ये चेक कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। सभी लोग नए थे, क्योंकि ये टाइम पे जो है मैं फ़र्स्ट टाइम ये दोपहर के टाइम पे, सुबह के टाइम पे आई हूँ। इसके पहले मैं शाम को ही आती थी, तो ये लोग उतना दिखाई नहीं देते थे। तो दोपहर के टाइम पर ज़्यादा लोग नहीं होते हैं भजन कीर्तन के लिए, ऐसे घर वाले होते हैं और जो उनके क्लोज हैं वही लोग आते हैं। तो ज़्यादा लोग तो नहीं थे, बट जो जितने भी थे उतने लोगों ने मिल के ही भजन कीर्तन किया, फिर खाना वाना खाए, फिर शाम के टाइम फिर से सब लोग आए। तो शाम के टाइम पे मेरा आना हुआ था फिर से, जहाँ पर मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी। जो जो भी परेशान कर रहा था, थोड़ी सी गर्मी थी यहाँ पे, कूलर एक ही लगा हुआ था और वो भी सामने लगा हुआ था, तो जो जो भी परेशानी हो रही थी, तो मैं जो जो को लेकर घर चली गई थी खाना खा के, फिर शाम को आई। मेरे साथ मरुआई राधा स्वामी धामो का मही भेद जनाई। ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जगने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देने पर धोखे में ही पड़ोगे। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर जी के बारे में लिखकर नारी नीति हिंदी अनुवाद। स्मरण रखो तुम्हारा संसर्ग यदि सभी विषय में यथायथ भाव से उन्नति और वृद्धि की दिशा में परिचालित नहीं करे, तो तुम्हारा नारीत्व क्या मसीह तो नहीं हुआ। आज जो ये सत्संग ये निमाई दादा के घर में हो रहा है, पिछले कई वर्षों से इसी बैसाख महीना, बंगला में बैसाख महीना का अंत जो आखिरी दिवस उस दिन पर यहाँ पे होते जा रहा है। लेकिन इस दिन कल था, मैंने आने वाले कल, लेकिन कुछ कारणवश एक दिन पहले आज इस साल उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। ठाकुर जी के चरणों में आए या नहीं आए तो सबको निमंत्रण देके ठाकुर जी का इच्छा पूर्ण करने के लिए, कि ठाकुर जी मनुष्यों की कंगाल था, यानी मनुष्य उनकी जीवन की यही प्रत्याशा था, मुझे मानुष दिया। हाय गाइस, तो मैं भी घर आ गई हूँ और स्वीटी सुबह से बोल रही है कि उसको उसकी मम्मी के लिए एक मदर डे वाला एक गिफ्ट चाहिए और उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, बस 25 रुपीज़ थे। तो मैंने उससे बहुत कुछ ऐसे वैसे आइडिया देके फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं कुछ दिन पहले ना फोटो स्टूडियो में गई थी और तभी मुझे पता चला था कि 10 रुपये में ना ऐसी सिंपल एक फ़ोटो जो है आपकी आ जाती है। तो मैंने उसको वो आइडिया दिया और उसको बोला फ़ोटो फ्रेम जो है वो हम घर पर बना देंगे। उससे बोला ठीक है भाभी, आप ऐसा करो, आप अगर बाहर जा रहे हो तो फ़ोटो लेके आओ, फिर अपन दोपहर को बैठ के बनाएंगे। तो फ़ोटो जो है मैं लेके आ गई हूँ उसके और उसके मम्मी का। ये फ़ोटो मेरे मोबाइल में ही था, उसको निकाल के लाई हूँ और ये 10 रुपीज़ में नहीं 30 रुपीज़ लगा इसके लिए, स्वीटी ने मुझे दे भी दिया। तो अभी कुछ सामान मिला है मुझे, घर में रहते हैं तो वहाँ से मैं कुछ सामान जुगाड़ करके लाई हूँ। कुछ मिरर्स हैं मेरे पास, उसी से ही जो है मैं घर पे ही मदर्स डे वाला एक गिफ्ट बना रही हूँ। आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। हाँ, जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तब बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, मदर्स डे चला जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपकी दीदी का बर्थडे आ रहा है, भाई का बर्थडे आ रहा है, कोई भी ऐसा फंक्शन आ रहा है, तो आप उसके लिए ऐसा वाला गिफ्ट ऑप्शन बना सकते हो। बहुत कम पैसे में जो है आप इसको बना सकते हो, छोटे हो आप तो उसमें जो है आप
थोड़ा सा DIY करके घर में बैठ के जो है गिफ्ट ऑप्शन बना सकते हो। आपको सिटी को उसको मम्मी को ये गिफ्ट देना है तो उसके पहले ही हमें इसे बनाना होगा, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने ऐसा वाला एक प्लाई ले लिया है, ऐसे ये बन गया स्वीटी के मम्मी के लिए मदर्स डे का गिफ्ट।
तो ये कार्ड जो है ये भी मैंने ही बनाया है, उसे आइडिया दिया है कि कुछ लिख के दो मम्मी को तो मम्मी को अच्छा लगेगा। तो सारी चीज़ें ही मैंने उसको अरेंज करके दी है और थोड़ा बहुत जो है उसने खुद से भी किया है, तो उसको अच्छा लग रहा था कि थैंक यू भाभी, आपने एक अच्छी चीज़ दे दी है। यहाँ पर गिफ्ट रैप हो रहा है उसकी मम्मी के लिए, गिफ्ट रैप करके मैं फिर से रेडी होने वाली हूँ प्रोग्राम में जाने के लिए। हम आ गए प्रोग्राम में शाम के टाइम पर, और यहाँ पर एक नेता भी आए थे हमारे यहाँ के, तो उसी के लिए ना थोड़ी सी भीड़ हो रही थी। सत्संग जो है शाम के टाइम पे भी थोड़ा होता है, तो वो ख़त्म हो चुका था और अभी खाना चल रहा था बाहर। तो ये नेता जी आए थे तो इनके साथ सब फोटो वगैरह खींच रहे थे और फिर थोड़ा बातचीत भी कर रहे थे। हम वहीं पे खड़े थे क्योंकि भीड़ थी खाने के वहाँ पे, तो खड़े रहने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। यहाँ का जो सत्संग है ये बहुत अच्छे से होता है, मैं हर साल आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है, बहुत ऐसे लोग भी होते हैं कि एक बार देखा था, एक बार मिली थी और उसके बाद मिलना ही नहीं हुआ, तो सबसे बातें करना होता है, जो नए रहते हैं उनसे दोस्ती बढ़ाना होता है, बहुत अच्छा लगता है। सत्संग जो है, सत्संग का अर्थ वही होता है कि अच्छी जगह पर जाओ, भगवान का नाम कीर्तन करो, सब लोगों से मिलो जुलो, नए लोगों से मिलो, उनसे बातचीत करो, तो यही मतलब होता है सत्संग का। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद इनकी जो बहू है उनमें भी गाना गया था, बहुत अच्छा गा रही थी वो। यहाँ पे खाने पीने का सब अरेंजमेंट चल रहा है, तो हमारा खाना तो हो गया, अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभरात्रि, बाय।